एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोती जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ जिसमें 12 श्लोक दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बेकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतारकर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता या नौकरी नहीं लग रही या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज
प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी तीन दिन सोमम पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये तीन दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। नहीं नहीं, एकादशी है कौन, क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है, ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए, कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था, बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था, क्यों चंद्रायण एकादशी व्रत की माता, एकादशी है कौन, तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन, तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके, झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था, क्या नाम था, एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी, एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी, एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए, हमारे यहां हिंदू धर्म में रीति है जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है, अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है, व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें किसको दें, एका किसको दी जाए, एका प्रदान किसको करी जाए, पुण्यता किसको दी जाए। भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा तुम एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोती जाती, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ जिसमें 12 श्लोक, दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने संहार मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु
उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बेकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतारकर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, तीन दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा रख कर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये तीन दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते भैया।